पेट्रोल डीजल को लेकर जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल 11 रुपए तक सस्ता हो सकता है। मतलब जनता की जेब से एक बड़ा बोझ कम हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया, जिससे तमाम टैक्स के बावजूद कीमतों में 11 रुपए तक की कमी आ जाएगी। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद भी इससे वैट खत्म नहीं होगा। राज्यों को जीएसटी के साथ वैट वसूलने का अधिकार होगा। लेकिन आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी होता है तो राजधानी दिल्ली में कीमतें तकरीबन 11 रुपए तक कम हो जाएंगी। जीएसटी के दायरे में आते ही पेट्रोल डीजल पर 28% टैक्स लगेगा। 28% जीएसटी रेट के साथ वैट मौजूदा टैक्स के बराबर ही होगा। इसमें केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट शामिल होगा। अभी पेट्रोल पर 19.48 रुपए और डीजल पर 15.33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूलती है सरकार। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में वैट लगाया जाता है। लेकिन सरकार के एक फैसले से अब हर राज्य में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें कम हो सकती है। जहां जितना अधिक वैट होगा वहां कीमतों में उतनी ही कम गिरावट आएगी। फिलहाल पेट्रोल पर मुंबई में सबसे ज्यादा 39.12% वैट और डीजल पर तेलंगाना में सबसे ज्यादा 26% वैट लगता है। अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी और वैट लगाया भी जाता है तो दिल्ली में ये 11 रुपए तक सस्ता हो सकता है। अभी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76.27 रुपए है। इस पर 46% टैक्स शामिल है। हालांकि डीलर को पेट्रोल 36.96 रुपए प्रति लीटर मिलता है। इस पर 3.62 रुपए का कमीशन, 19.48 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और 27% यानी 16.21 रुपए का वैट। इस तरह एक्साइज और वैट मिलाकर 35.69 रुपए प्रति लीटर का टैक्स आता है। लेकिन पेट्रोल डीजल जब जीएसटी के दायरे में आएंगे तो इस पर 28% का अधिकतम जीएसटी लगेगा। इससे दिल्ली की कीमतों के हिसाब से 10.34 रुपए की जीएसटी और 27% यानी 13.74 रुपए का वैट लगेगा, जिससे कीमतें गिरकर 64.66 रुपए पर आ जाएंगी। मतलब तकरीबन 11 रुपए का फायदा होगा आम आदमी को।